दोस्तों आपकी समस्या का समाधान मैंने कर दिया है, क्योंकि YouTube ने खुद ने बताया है कि इसका जो परफेक्ट सॉल्यूशन है वो क्या है। किसी भी यूट्यूबर के पास में इसका सॉल्यूशन नहीं था, बट मैंने इस पर काफ़ी सारा रिसर्च किया। बहुत सारे जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम हुई, उनसे मैंने स्क्रीनशॉट लिए, उसकी समस्या के बारे में जाना पहचाना, उन पर रिसर्च करा और तब जाकर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा एंड मैं आपके यूट्यूब चैनल को 1 से 2 दिन के अंदर मोनेटाइज करवा दूंगा। लेकिन क्या रूल है, क्या सिचुएशन होगी, क्या कंडीशन होगी, सब कुछ इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो आ रहा है करंटली इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। और ये प्रॉब्लम अभी के टाइम पर, पहले रियूज कंटेंट और अलग अलग टाइप के आते थे, बट अभी के टाइम पर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब इसका सोल्व या सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर देखो कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक चैनल है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले। हाय, ये सनी कैप्चर्स, ये एक चैनल है और इनका जो है ना, ये मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया। यूट्यूब की टीम ने लिखा कि हमने आपके पार्टनर प्रोग्राम में जो भी एलिजिबिलिटी होती है उस पर अच्छे से रिसर्च करा, देखा और हमारी टीम ने पाया कि आपके चैनल पर ये क्राइटेरिया वो कंप्लीट नहीं है, तो अब आपको 30 दिन में वापस से रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आपका यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है, तो आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको अपने चैनल पर सुधार करना है और फिर से रीअप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चैनल और है DS भारत न्यूज़, और इनके चैनल पर भी यही प्रॉब्लम आता है। इनके भी यही बोलता है, यूट्यूबर एक मेल भेजता है और उस मेल का स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से है। ये बोलता है कि अपलोड वीडियोज, ठीक है, एडिट और डिलीट योर वीडियोज, कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस। इसका मैं बताऊंगा मेन क्या है और आपको क्या सुधार करना है, अभी थोड़ा ठहरो। और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक चीज़ और मिल जाती है, YouTube चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो इनके चैनल से रिलेटेड इन्होंने वहाँ पर जो आपका मोनेटाइजेशन सेक्शन के अंदर में आपका वो होता है, YouTube जब कोई भी रीज़न देके कैंसिल करता है, उसके आगे एक ग्रीन लाइन होती है YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी, और उस पर क्लिक करके देखते हो तो आपके पूरा जो डेटा है ना वो दिखाता है कि आपके चैनल में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इनके क्या, इनके साफ साफ दे रखा है कि हमने न्यूज़ से रिलेटेड पहले बताया था यूक्रेन और रूस का, आप न्यूज़ नहीं दिखा सकते, तो वो इनके चैनल पर इन्होंने बता दिया। अब बात आती है कि ये तरीके का ये जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है। देखो सबसे पहले मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं, मैंने यहां पर पूरा डेटा लिखा है। ठीक है, सबसे पहले YouTube कहता है कि अपलोड वीडियोज, और ये सारी चीजें आपको समझनी है। उससे पहले मैं आपको मेरी तरफ से कुछ चीजें बता दूं। देखो सबसे पहले आपका जो YouTube चैनल है ना, उसका जो लोगो और बैनर है, ठीक है, और जो थंबनेल है ना, वो बिल्कुल प्रोफेशनल और फुल HD में होने चाहिए। पहली बात आप कान खोल के सुन लो, इस चीज़ को आपको अप्लाई करना है आज से ही। दूसरी बात, आपके जो अबाउट सेक्शन है चैनल का, जैसे मेरा देख सकते हो, उस अबाउट सेक्शन के अंदर आपके सोशल मीडिया के लिंक, यानी कि जैसे इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, और आपका जो भी लिंक देना चाहो, ठीक है, फेसबुक का देना चाहो दे सकते, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, बट टेलीग्राम, ट्विटर और आपका इंस्टाग्राम, इन आईडी का लिंक वहाँ ऐड करना है। ठीक है, और आपका जो हर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक देना है और टेलीग्राम का। ठीक है, यूट्यूब वेरीफाई कर सके कि आप ही इसके रियल ओनर हो और आप एक्टिव हो चैनल पर। ठीक है, और आप एक आदमी हो, ऐसा नहीं है कि कोई बोट या कोई रोबोट या मतलब ह्यूमन काम नहीं करो, मतलब उनको एक्टिव चाहिए और एक आदमी का या मनुष्य का चैनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई रोबोटिक काम हो रहा हो, कोई मशीनरी सिस्टम चल रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सोशल मीडिया का लिंक देना है और आपका लोगो बैनर और वगैरह सब कुछ ठीक कर लेना है। अब बात आ जाती है कि आपको अपने चैनल पर एडिट क्या करना है, डिलीट क्या करना है और अपलोड क्या करना है। देखो सबसे पहले अपलोड वीडियोस, यूट्यूब पहला जो पॉइंट देता है ना इस प्रॉब्लम को लेकर, वो कहता है कि अपलोड वीडियोस, यानी आप अपने चैनल पर और वीडियोस अपलोड करो। एक केस और आया था मेरे पास में, तो पहला सॉल्यूशन ये कहता है कि आप चैनल पर और वीडियोस अपलोड करो। दूसरा, एडिट और डिलीट योर वीडियोस, आपकी जो वीडियोस है उनको एडिट करो और डिलीट करो। अब देखो ये कंडीशन कब पैदा होती है, या तो आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट क्लेम हो तो आप अपनी वीडियोस को एडिट करोगे या डिलीट करोगे, या रियूज कंटेंट हो। रियूज कंटेंट का मतलब क्या है कि भाई आपने ऐसा कंटेंट जिसको बार बार यूज कराओ किसी और का, उसमें आपने कुछ अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई हो, तो अपने चैनल पर अगर हमको वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी तो रियूज कंटेंट हो सकता है या रिपीटेटिव कंटेंट। अब रिपीटेटिव कंटेंट को आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं, इसमें टैग और टाइटल और जो कीवर्ड है ना उसको चेंज कर दो। ठीक है,
अब आ जाती है मिसलीडिंग मेटा डेटा, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब एडिट और डिलीट योर वीडियोस में मिसलीडिंग मेटा डेटा क्या होता है कि आप जैसे कि कोई वीडियो बना रहे हो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं या ब्लॉगिंग से रिलेटेड, और उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग में आप जिनका अनवांटेड, जिनकी जरूरत ही नहीं है और वो कीवर्ड भरे जा रहे हो और टाइटल में कुछ भी लिख दे रहे हो जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो वहां मिसलीड हो जाता है, ठीक है, मिसलीड यानी गुमराह करने वाली चीजें, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है यूट्यूब का कि कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस के साथ संवाद करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, बैकग्राउंड वीडियो किसी और से ले लिया और म्यूजिक कहीं और से ले लिया, और ये सब करने के बाद में क्या करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं, उनका वीडियो वायरल निकल जाता है, या किसी भी फिल्म का हीरो हीरोइन का फोटो ले लिया, म्यूजिक भी उनका ही ले लिया और उसका स्टेटस बनाते हैं और अपलोड करते हैं, तो वहां पर इनका चैनल रिजेक्ट कर दिया जाता है। यूट्यूब साफ साफ कह रहा है कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस के साथ संवाद करें, ऑडियंस का फेस वैल्यू होनी चाहिए, वॉइस होनी चाहिए, अपनी ऑडियंस से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरा फेस वैल्यू भी आ रहा है, मेरा वॉइस भी आ रहा है, तो अब यूट्यूब को लग रहा है कि मैं रियल हूँ, मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। और अगर मैं ही इस बैकग्राउंड में कोई भी वीडियो ले लेता और आपको इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के अपलोड कर देता, तो ये बात है कि यूट्यूब कहता है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ संवाद करें, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ संवाद रखें, ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको मैंने पॉइंट बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा रीयूज कंटेंट, रिपीटेटिव कंटेंट, मिसलीडिंग मेटा डेटा, ये आपके चैनल पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रूस और यूक्रेन से रिलेटेड जो वार हुआ था, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने उन्होंने वीडियो बनाई, उनका चैनल भी इसी तरीके से डिमोनेटाइज कर दिया। तो आपको यूट्यूब की पॉलिसी पूरी ध्यान रखनी है, यूट्यूब के नए अपडेट ध्यान रखने हैं। मैं भी बताता रहता हूँ, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखा करो, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वीडियोस देखा करो। आपको मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक सच्चा और अच्छा यूट्यूबर बनना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और हर एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, इनको आप अपने चैनल पर सॉल्व करो, फिर से रीअप्लाई करो। दूसरी बात, आप जो आपका जो रीअप्लाई का टाइम हो 30 दिन का होता है, 30 दिन बाद आप रीअप्लाई कर सकते हो। तो यही था, मैंने आपको जो सिचुएशन और प्रॉब्लम था सब कुछ बता दिया। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना और वहाँ आप मैसेज कर देना अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आपको आता है तो।